उमराज तो एक कौन सा अटेम्प्ट था, मीडियम का क्या? मीडियम अटेम्प्ट। अच्छा अटेम्प्ट कितना है मेरा? ये मेरा मेंस में सेकंड अटेम्प्ट है। और मीडियम क्या है सर आपका? मीडियम इंग्लिश है। इंग्लिश है तो जैसा जाए देखा जाए तो लास्ट ईयर की अपेक्षा जो आपने पेपर दिया था तो इस बार क्या मॉडरेट था, इजी था या सेम था? मैंने 2019 में दिया था पेपर, उसके बाद लास्ट ईयर का पेपर मैंने देखा है, उसके कॉम्पेरेटिवली पेपर सिमिलर था। हाँ, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। देखा जाए तो लास्ट ईयर आपने बोला आपने मेंस लिखा तो आपका हुआ नहीं, तो इस बार कुछ अलग करने की कोशिश किया, आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लाने की? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। लास्ट अटेम्प्ट में मेरे ना कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन छूट गए थे जिसके वजह से आपके सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि आप बहुत अच्छा भी लिखिएगा तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको अल्टीमेटली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं ताकि आप कंपटीशन बने रहें। तो इस बार मेरा ये टारगेट है कि एटलीस्ट कुछ ना हो तो मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूं, चाहे कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट होंगे, कुछ खराब से अटेम्प्ट होंगे, बट अटेम्प्ट सारे होने चाहिए। क्या सर आपका? इस बार मेरा अच्छा रहा, मतलब GS1 वाला पेपर भी अच्छा था, मतलब ये वाला पेपर भी अच्छा था। GS1 वाला थोड़ा सा टाइम का दिक्कत हो गया था क्योंकि लेंथी पेपर था, और GS2 ठीक था। तो जैसे देखा जाए तो क्या है, जो बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं तो हमको कई क्वेश्चन करंट अफेयर रिलेट करने होते हैं, तो क्या करंट अफेयर से आपने रिलेट किए कैसा? हाँ देखिए, कुछ क्वेश्चंस तो करंट अफेयर से होते हैं, जैसे इस बार PM गति शक्ति पे क्वेश्चन था जो कि आपका जिसने बजट पढ़ा होगा उसको आता होगा। उसके बाद जैसे कि इंडिया की इनिशिएटिव इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में कैसी रही, तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि इस बार ग्लासगो में हुआ था इन्वायरमेंट समिट, तो उसमें इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। तो आपको अपना आंसर सब्सटेंशिएट करने के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। तो जैसे इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं तो सारे 20 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं? 20 के 20 अटेम्प्ट होते हैं, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, कोई भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्या आपको 3 घंटे का टाइम सफिशिएंट था? देखिए 3 घंटे का टाइम ना बस अगर आपको लिखना पड़े तब सफिशिएंट होता है, बट चूंकि UPSC के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं तो आपको ना सोचना भी पड़ता है, स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है, जिसके वजह से आपको पेपर मुश्किल लगेगा। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार किस पोर्शन से पूछे? देखिए सारे पोर्शन से, जो भी इस बार पॉलिटिक्स से था, इस बार काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पॉलिटिक्स से थे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन था क्या पावर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या क्या कंडीशन है जिससे कोई कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो मतलब ऐसे नहीं थे कि सिर्फ करंट अफेयर्स के थे, जिसने जैसे कि बुक पढ़ी होगी स्टैंडर्ड बुक, वो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट इजीली दे देगा उसका आंसर। तो बिना सोचे बीच में जो गैप मिला था 2 घंटे का, तो रिवीजन किया था क्या? ये बीच में रिवीजन देखिए जरूरी होता है या फिर अपने माइंड को फ्रेश रखें? देखिए बीच में ना रिवीजन करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ बीच में आप पढ़िएगा तो कुछ कोई एक दो टॉपिक एक दो चीज़ें याद रह जाएंगी जो एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा, लेकिन आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि आपने 3 घंटे का पहला पेपर दिया है जिसमें आपका दिमाग कंटिन्यूसली थका हुआ था। अगर आप बीच के 2 घंटे दिमाग को रेस्ट दीजिएगा तो ऑलमोस्ट आपकी नेक्स्ट पेपर में एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। कंपैरेटिवली आप बीच के 2 घंटे पढ़िएगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का आपको क्वेश्चन अगर लड़ भी जाता है तो उस थकावट के चक्कर में आप 50 नंबर का क्वेश्चन खराब करके आइएगा। तो मेरा ऑल्दो मैंने इस बार रिवीजन किया, बट मेरा कैंडिडेट से यही रहेगा कि जितना तुमने पढ़ लिया वो पढ़ लिया, और बीच में ना दिमाग को रिलैक्स करो ताकि नेक्स्ट पेपर के लिए वो फ्रेश रहे। ऑप्शनल क्या रखा है आपने? ऑप्शनल मैंने सोशियोलॉजी रखा है। तो जैसे कि जो अभी अगले पेपर होने वाले हैं तो कैसी तैयारी कर ली हो आप? न्यू एस्पिरेंट जो अभी जो 23 वाला देने वाले हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए न्यू एस्पिरेंट्स को मेरा यही मैसेज रहेगा कि जो स्टैंडर्ड बुक है सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ के उसमें से जो जो पॉइंट तुमको लगे कि ये बार बार मैं भूल जा रहा हूँ उसका अलग नोट बना लो, और उसके बाद एक बार तुम्हारा बेस इससे क्लियर हो जाएगा, उसके बाद न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स पढ़ के अपने जो नॉलेज है उसको सब्सटेंशिएट करते रहो। जैसे आपने मान लीजिए पॉलिटी का पढ़ा, पॉलिटी का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा कि मान लीजिए इलेक्शन कैसे होता है या डिस्क्वालिफिकेशन जो होती है कैंडिडेट की वो कैसे होती है, आपने पढ़ लिया कॉन्सेप्ट। बट अगर रीसेंट न्यूज़ में आपने देखा कि अच्छा किसी MLA को या MP को डिस्क्वालीफाई कर दिया है या नहीं डिस्क्वालीफाई किया या कॉन्ट्रोवर्सी हुआ है, तो वो एज अ एग्ज़ाम्पल आप नोट करके रख लीजिए, तो कभी अगर क्वेश्चन आएगा अगर वो एग्ज़ाम्पल आप उसमें पुट कर देते हैं तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। बट लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन अगर आपको अच्छे से नहीं पता होगा तो करंट अफेयर्स का कोई फ़ायदा नहीं है।
और स्टैटिक पोर्शन जब आपको पता होगा तब आप कॉम्पिटिशन में रहिएगा और करंट अफेयर यूज़ करके उस कॉम्पिटिशन से आगे निकल जाइएगा।